मौला इमाम हुसैन और उनका काफिला करबला पहुंचा। उन्होंने करबला को आकर बसाया। जनाब मुस्लिम बिन अकील के जो दो फर्जंद है मोहम्मद और इब्राहिम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज मी ज़ैनब अकबर अली रजब। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज 3 मुहर्रम है और मैं एक नई वीडियो के साथ दोबारा से आपकी खिदमत में आ गई हूँ। कल 2 मुहर्रम था, मैं जानती हूँ कि मैंने कल कोई व्लॉग अपलोड नहीं किया, मैंने कोई व्लॉग शूट ही नहीं किया। तो इसकी रीज़न ये थी कि आई एम स्टिल नॉट वेल, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की थी कि व्लॉग शूट कर लूँ, बट नहीं कर सकी। मेरी तबीयत कुछ ख़राब हो गई थी इसीलिए। तो मैंने कहा लेकिन आज मैं व्लॉग शूट कर दूँ, क्योंकि मैंने आप लोगों से वादा किया हुआ है कि मुहर्रम सीरीज़ में मैं साथ साथ रखूँगी आपको, इसीलिए मैंने आज व्लॉग स्टार्ट कर लिया है। काफ़ी जल्दी उठ चुके हैं हम और जा रहे थे मजलिस में, तो मैंने सोचा व्लॉग स्टार्ट करके आपको साथ में डिटेल्स बता दूँ कुछ और मजलिस पर ले जाऊँ और फिर आपको फिर ज़ियारात भी करवाऊँ। तो कल 2 मुहर्रम था, मैंने व्लॉग तो नहीं शूट किया, लेकिन फिर भी मैं आपको कुछ डिटेल्स बता देती हूँ कि 2 मुहर्रम वो दिन है जब मौला इमाम हुसैन और उनका काफिला करबला पहुँचा, उन्होंने करबला को आकर बसाया। 2 मुहर्रम वो दिन है और आज है 3 मुहर्रम। आज के दिन यजीदी लश्कर जो है वो भी करबला पहुंच चुका था। तो आज जो है हम जा रहे हैं मजलिस पे, मैं आपको साथ साथ रखूंगी और कुछ ज़ियारात भी करवाती रहूंगी। तो मैंने सोचा पहले कुछ आपको डिटेल्स बता दूं जो कि मैंने आपसे वादा किया था। तो अभी जो है वो मजलिस पे चलते हैं, तब तक के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर और अच्छा सा कमेंट कर दीजिए। अब मजलिस पर जाकर मुलाकात होती है। इस ये जो है पूरे सीना की कसम, बला दे अमीन की कसम, यानी मक्का। मजलिस ख़त्म होने के बाद यहाँ अलम और ताबूत की बरामदगी चल रही है। मजलिस के ज़्यादा क्लिप मैंने इसलिए नहीं बनाए क्योंकि अलामा साहब मर्दों वाली साइड पर थे और यहाँ ख़वातीन काफ़ी ज़्यादा बैठी थी, तो मुनासिब नहीं लग रहा था कि मैं ज़्यादा वीडियो बनाऊँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2 ताबूत बरामद करवाए जा रहे हैं, एक जिनमें से मोहम्मद जनाब मोहम्मद का है और दूसरा जनाब इब्राहिम का है। ये दोनों जनाब मुस्लिम बिन अकील और बीबी रुकैया के फर्जंद हैं। तो आप लोग ज़ियारत कर लीजिए और दुआ कर लीजिए। इनकी शहादत तो 12 ज़िलहज को है, लेकिन अक्सर मुकामात पर बीबी रुकैया को ताज़ियत पेश करने के लिए इनके ताबूत बरामद करवाए जाते हैं मुहर्रमों में, और अब ज़ियारत पड़ी जा रही है। मजलिस के कुछ क्लिप्स जो है वो मैंने ले लिए थे, बहुत ज़्यादा मैं मजलिस पे वीडियो नहीं बना सकी क्योंकि अलामा साहब जो थे वो मर्दों वाली साइड पर थे और लेडीज़ वाली साइड पर जो कोई LCD या LED कुछ ऐसा नहीं लगा था, बस आवाज़ आ रही थी, हम सुन रहे थे। तो मैंने इसीलिए कुछ खास वीडियोस नहीं बनाई, लेकिन आज जो है वो जनाब मुस्लिम बिन अकील के जो दो फर्जंद है मोहम्मद और इब्राहिम, उनके ताबूत की बरामदगी की गई थी। तो उसके क्लिप्स मैंने ले लिए हैं ताकि आप लोग ज़ियारत कर लें, और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों ने ज़ियारत ज़रूर कर ली होगी। मेरा मकसद सिर्फ आप लोगों को ज़ियारत करवाना है, और अगर आप लोग मसरूफ़ रहते हैं कहीं बाहर के मुल्क, मैंने आपको कल की वीडियो में भी बताया था पुरानी अपनी प्रीवियस वीडियो में कि कुछ लोग होते हैं बहुत ज़्यादा बिजी होते हैं अपने स्केजुअल में, और कुछ लोग ऐसे इलाकों में होते हैं जहाँ पर वो मजालिस पर जा नहीं पाते, इतनी ज़्यादा ज़ियारत कर नहीं पाते। तो उनके लिए ये ज़रा आसानी कर रही हूँ मैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरे व्लॉग्स अच्छे लग रहे होंगे। अगर अच्छे लग रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर और अच्छा सा कमेंट कर दीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और मुझे दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।